यमुनानगर पुलिस ने 24 घंटों के अंदर करोड़पति गोल्ड व्यापारी हत्याकांड को सुलझा लिया। पुलिस ने एक अन्य ज्वेलरी व्यापारी को उसके दो साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। गोल्ड व्यापारी हत्याकांड मामला, पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। दो साथियों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। 24 घंटों के अंदर इस मामले को सुलझा लिया गया। आपको बता दें, हत्यारोपी ने खुद अपना जुर्म स्वीकार भी कर लिया है कि उसने मृतक को 13 किलो सोना लौटाना था। इसके अलावा उसने उससे ब्याज पर ली गई रकम भी वापस करनी थी और लिहाजा उसी वजह से उसने उस व्यापारी को मौत के घाट उतारा। अपने दो साथियों के साथ मिलकर गोल्ड व्यापारी को इसने मौत के घाट उतारा। श्री संजीव खन्ना को जो है ना किडनैप किया था, उसके बेटे ने मेरे को कंप्लेंट दी थी, 364 का मुकदमा दर्ज किया। कल इसकी डेड बॉडी जो है अंबाला डिस्ट्रिक्ट में मिली, उसमें धारा 302 और 201 जो है निजात कर दी गई है। और रजनी सोनी से खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। रजनी, यमुनानगर पुलिस को बड़ी कामयाबी के तौर पर इसको देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, नमस्कार। जैसे कि पुलिस ने इस हत्याकांड के बाद वादा किया था कि 24 घंटे के अंदर जो है आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इसी कड़ी में पुलिस ने मुस्तैदी से काम करते हुए 3 आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें जगेश सूरी जो है मुख्य आरोपी है। और इसने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर संजीव खन्ना की हत्या की थी। और ये पैसे और 13 किलो सोना जो है उसका लेन देन जो है वो बताया जा रहा है। और जो जगेश सूरी है उसने इनसे मृतक से पैसे लिए थे जो कि नहीं लौटा रहा था। और इसी कारण इसने जो है वहां पर प्लानिंग बनाई और पहले इसको किडनैप करके हम बाहर की तरफ ले गए और उसका रात जो थे उसका गला घोटकर और डंडे से वार कर इसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और आज इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा।